बच्चा होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बर्थ सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं हिंदी में जन्म प्रमाण पत्र, और उसको बनवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, तो ये वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंडा शुरू, बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है उसको जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है स्पेसिफिक टू मुंबई है, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ और यहाँ पे मैं बेसिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कैसे मैंने बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चे का बनवाया। इसी के साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान रखनी कि मैं कोई भी एक्सपर्ट या फिर कोई एजेंट नहीं हूँ जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हेल्प करता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने जो एक्सपीरियंस किया ये बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो बर्थ सर्टिफिकेट का प्रोसेस है इसमें हॉस्पिटल वालों को भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें हॉस्पिटल वालों का कितना कंट्रीब्यूशन होता है ये बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है जो हॉस्पिटल परफॉर्म करेगा, जहाँ पे जैसे ही बेबी आपका बॉर्न होता है जो भी हॉस्पिटल में या फिर नर्सिंग होम में, वहाँ पे बॉर्न होने के बाद कुछ घंटों बाद या फिर नेक्स्ट डे आपको एक जो गायनेकोलॉजिस्ट है जो उसने बॉर्न कराया है बेबी को, वो एक फॉर्म फिलअप करवाती है। और फॉर्म फिलअप करवाने के समय आपको सामने बैठना पड़ेगा उसके साथ, या फिर आपको आधार कार्ड डिटेल शेयर करने हैं जिसमें आपका नाम वो नोट डाउन करेगी जो आपके आधार कार्ड पे है। इसी के साथ ही साथ आधार कार्ड नंबर और एड्रेस, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों का होना चाहिए, वो फिल करती है फॉर्म। फॉर्म फिल होने के बाद ये फॉर्म जाता है आपका जो भी हॉस्पिटल है उसके नियरेस्ट लोकेशन में, जो बीएमसी आती है वहां पर ये फॉर्म जाने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते हैं, ये आई थिंक ये ऑप्शनल है, जहाँ पे ये जो बर्थ सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकती है। ये जो दोनों स्टेप है ये आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर हॉस्पिटल के नर्सेस हैं वो लोग ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको आपके डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, आधार कार्ड और आधार कार्ड नंबर और जैसा बाकी सब डिटेल्स, दैट्स इट। और अब यहाँ पर जो हॉस्पिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पूरा होता है, उन्होंने जो भी फॉर्म फिलअप किया था बीएमसी में भेज दिया। अब आपको 2 या 3 वीक के बाद जो आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कार्ड मिलता है वो लेके जाना है उसी बीएमसी में। बीएमसी में जाने के बाद वहां पे जो भी उसका काउंटर है या फिर जो फ्लोर पे वो लोग बैठते हैं वहां पे जाना है और आपको बेसिकली ये डिस्चार्ज कार्ड आपका शो करना है। डिस्चार्ज कार्ड शो करने के बाद वो अपने सिस्टम में चेक करेंगे कि आपका फॉर्म अभी तक आया है या नहीं। तो अगर वो फॉर्म आया होगा तो इमीडिएटली आपको एक प्रिंट निकाल के देंगे, वो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ही होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें बच्चे का जो नाम है वो नहीं होगा, वो ब्लैंक होगा वो फील्ड। बाकी जो भी डिटेल्स है आपका नाम, आपकी वाइफ का नाम, हॉस्पिटल का नाम, एड्रेस, वो सब फील्ड होगा। और अब उसका आपको जो प्रिंटआउट है बीएमसी वाले ही देंगे, एक प्रिंटआउट का 6 रुपए लेते हैं। और उसके बाद वो प्रिंटआउट लेके जाना है दूसरे काउंटर पे, दूसरे काउंटर पे वहां पे आपको आधार कार्ड आपका मांगेंगे जिसमें आपको आधार कार्ड का जेरोक्स अटैच करना है, वो जो बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें नाम नहीं है, ओके, और वो आधार कार्ड अटैच करना है, आधार कार्ड पे आपका साइन करना है जहाँ जहाँ पे बताएंगे, 1 या 2 बार साइन करना होता है। उसके बाद जो फॉर्म होता है जो बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें ब्लैंक होता नाम नहीं है उस पर भी आपको साइन करना होता है। साथ ही साथ आपको जो नाम डालना है इस वक्त आपके बेबी का वो यहाँ पे फिल करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम ही उसमें डालना है, गलती मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उस स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या फिर जो नाम डालना है फिर डिसाइडेड नहीं होता। तो आपको नाम डिसाइड करना है, उसके बाद सोच समझ के, मतलब नाम डिसाइड करके या बीएमसी में जाना, उसके बाद नाम फिल होने के बाद उसके बाद वहां पे आपको पेन से नाम लिख देना है। साथ ही साथ वहां पे एक और रजिस्टर होगा जो बीएमसी के पूरा जितने भी एरिया के जितने भी बर्थ्स होते हैं वहां पे पूरा रजिस्टर में एंट्री होती है। तो वहां पे बेसिकली आपको नाम, आपका एड्रेस, आधार कार्ड नंबर और एक सिग्नेचर होता है, और जो नाम आपको रजिस्टर करना है वो वहां पे फिल करना होता है, दैट्स इट। यहां पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी पूरा होता है। अब यहां पे बारी आती है फाइनल बर्थ सर्टिफिकेट की, जो आपको मिलेगा 2 हफ्ते के बाद, मतलब ये जो टाइम है 8 से 10 दिन का टाइम बोलते हैं, 8 से 10 वर्किंग डेज का, उसके बाद आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि किस ढंग से आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। काफ़ी लोग को प्रॉब्लम्स आती है कि भाई उतना नाम करेक्ट नहीं लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसने से अच्छा है कि आप सोच समझ के सही नाम लिखें। और यहाँ पे जो लोग इस डॉक्यूमेंट को इग्नोर करते हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगा इस डॉक्यूमेंट को इग्नोर मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है,
क्योंकि आपका बच्चा जब बड़ा होता है तो उस समय इस डॉक्यूमेंट की बहुत ही वैल्यू होती है, और उसको ट्रबल ना करना पड़े उसके अच्छे भविष्य के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूर जरूर बनवाए। बात कर लूँ मेरी, मैं 90s के टाइम का हूँ, 1990 में मेरा बॉर्न हुआ था। उस टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट को उतना वैल्यू नहीं देते थे, 80s में भी नहीं देते थे। 2000 के बाद थोड़ा लोग उसको समझने लगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसको जरूर बनाए क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा होती है। आपके बच्चे के भविष्य के लिए वो डॉक्यूमेंट जरूर बनवाए। तो दोस्तों यही था पूरा प्रोसेस बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव, राय हो तो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूं। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, ना ही मैं एजेंट हूं, लेकिन कोशिश करूंगा आपकी पूरी हेल्प करने के लिए। तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, कोई भी ढंग से कोई भी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिली है, तो लाइक जरूर करना, हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड। बाय बाय।